तुमने क्या बोला फिर? मैंने बोला तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं अंदर एंड में। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है और बिल्कुल ही ठंड से, जहाँ से रामपुर जो है 45 किलोमीटर है और अपना जो पहुंचे बोला तुम थक गई हूँ मैं। तुमने क्या बोला फिर? मैंने बोला अभी हम डाटी चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज जा रहा था मैं अपने ससुराल की ओर, तो अभी मैं चढ़ रहा हूँ ढाक की चौड़ाई। आप देख सकते हैं कि मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं कितनी हाइट पे आ चुका हूँ। वहाँ नीचे से चढ़ के जो है मैं ऊपर आया हूँ, तो वो सामने पार जो है मेरा गांव है, आप देख सकते हैं ग्रीन वैली गिंचा, और मैं वहाँ से पैदल आ रहा हूँ गाइस पार से। गाइस आप देख सकते हैं ये है मेरी वैली का व्यू। तो ये हमारा गांव है, वो सामने पार, और ये मैं हूँ जो बहुत थक चुकी है। तो गाइस बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम वहाँ नीचे से जो है पैदल ही ऊपर तक आए हैं। ये हमारी वैली है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम पक्की सड़क में। आप देख सकते हैं कि ग्रैंड पंचायत आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो यहाँ से रामपुर जो है 45 किलोमीटर है, और अपना जो रोडू है वो भी यहाँ से 45 किलोमीटर है। तो गाइस पहली बार जो इतनी चौड़ाई चढ़ी है इन्होंने ज़िंदगी में, तो बहुत कठिन था ये सफ़र क्योंकि पैदल ही जो इसमें यात्रा करनी पड़ी। तो दोस्तों अब हमें जो है इस सड़क को पार करके जो है ऊपर वाली पक्की सड़क में पहुंचना है, जो कि यहाँ से बहुत ही ऊपर है यार। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना दूर अभी हमें पैदल जाना है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक घने देवदार के जंगल में, आप देख सकते हैं, और अभी जो है इधर पाइपलाइन का काम चला है। तो आप देख सकते हैं कि खानों द्वारा जो है रास्ते में पाइपें बिछाई जा रही है। तो आज का यह पैदल सफ़र जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अभी कितने घने जंगल में आ चुके हैं। यहाँ से जो है चारों ओर कितना घना जंगल है, तो आप भी जो है देख के परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इन जंगलों को क्रॉस करके जो है हमें ऊपर वाले सड़क में पहुँचना है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम जो है हाई वोल्टेज टावर के पास। तो यहां से अभी जो है 2 घंटे का रास्ता और रह गया है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बड़ी धार में, और आप वहां से देख सकते हैं पार हमारे गांव के जंगल का व्यू। तो ये हमारे गांव के जंगल का व्यू है। तो वो सामने जो है पार ढाक काली का ढाक दिख रहा है, और ऊपर जो है हमारे अभी जंगल में जो है बर्फ़ है, और वो सामने जो है हल्का हल्का हमारा गाँव दिख रहा है। तो गाइस अभी मैं ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ कि यहाँ से जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज टावर लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है बड़े बड़े हाई वोल्टेज टावर है, और इस ट्रांसफार्मर की मदद से जो है हमारे गांव के लिए भी जो है लाइट पहुंचाई जाती है। तो आप गाइस देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें लिखा गया है डेंजर खतरा, तो कभी भी आए तो इसमें छूने की कोशिश ना करें, नहीं तो अन्यथा आपकी मौत हो सकती है। तो अभी हम बैठे हैं कुछ ऐसी हसीन जंगलों में। तो गाइस ये है हमारा पलदारा स्कूल, आप देख सकते हैं। यहाँ से पाले साइड जो है हमारे गांव का नज़ारा। यहाँ पहुँचे हम नेहरा में, तो हमने अभी यहाँ पानी पूनी पिया, और पानी पी के हम अब निकल पड़े हैं। ये जो है नेहरा का बस स्टैंड है, तो नीचे जो है हमारा सामने ही पलदारा गांव है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं नारायण बाली सुंगरी मार्ग पे, जो हमारी पक्की सड़क है। तो माई नेगी जी ओ जी अभी बहुत ही पीछे है, तो मैं बहुत थक चुका हूँ यार गाइस। आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना दूर था ये सफ़र। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम बाली में, जो कि हमारी ग्राम पंचायत बाली है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बाली का चौक है। तो
तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम ग्राम पंचायत बाली में। तो यहाँ से रोड़ू 50 किलोमीटर है और रामपुर भी 50 किलोमीटर है। तो ये हमारी ग्राम पंचायत बाली है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं अंदरेंड में। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है और बिल्कुल ही ठंड से जाम हो चुके हैं, जिसको बहुत ही ज़्यादा ठंड बोलते हैं। अभी हम बाली से नरेन की ओर आए, जो कि लगभग 8-9 किलोमीटर है। तो मैं दिखाता हूँ आपको मुराल डंडा। तो गाइस ये है नरेन और सामने आप देख रहे हो ऊपर मुराल डंडा, और ये हमारा सुंगरी हो गया पार। आप देख सकते हैं नरेन वैली का कुछ व्यू। यहाँ तो ठंड से मरने के काम है, ठंडी बहुत ज़्यादा है। आप क्यों कांप रहे हैं? लग रही है और क्या, ऐसी हवा लगी ऊपर से। यहाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम ब्रांदली पुल पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपके सामने जो पीछे दो रोड है गाइस, तो ये दोनों ही, ये वाला जो है दोनों ही रोडू से, ये वाला जो सड़क आती है आप देख सकते हैं, जो ये वाला रोड है ये रोडू से रामपुर की ओर आता है। यहाँ पे जो है ये दो रोड कट जाते हैं, एक वाया जो ऊपर वाला है ये वाया बाली तक ले चौके रामपुर जाता है, और जो आगे वाला है ये पलजारा बदराश होके रामपुर जाता है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ब्रांदी पुल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो गाइस इतना ठंड है, भयंकरी ठंड जिसको बोलते हैं गाइस, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पर जो है चारों ओर ऊंची ऊंची चोटियाँ है। मुराल डंडा यहीं सामने ऊपर है, तो यहाँ की जो लगभग हाइट होगी वो लगभग 2500 के आसपास होगी, लगभग नारकंडा के मुकाबले यहाँ की हाइट है। तो यहाँ गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो गाइस अभी बैठ गए थे हम बस में और हम जा रहे थे रामपुर की ओर। तो माई नेगी जी को बस में जो है नींद आ गई थी। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे बदराश में और हम बस से उतर चुके थे। तो हमने थोड़ा बदराश में जो है बस का वेट किया। तो दोस्तों फिर आए थे हम गोलगप्पे खाने। दोस्तों हम आए थे गोलगप्पे खाने, यकीन मानिए यहाँ के गोलगप्पे जो है बहुत टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों मैं कभी भी रामपुर आता हूँ तो मैं यहाँ इस भाई के पास ज़रूर रुक जाता हूँ बदराश में गोलगप्पे खाने। तो ये बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो रामपुर आए कभी भी तो बदराश में इस भाई के पास गोलगप्पे जरूर खाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में दीजिए अलविदा, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें।